हेलो गाइस, किदां की हालचाल। मेरे वालों सारों प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। उम्मीद करदा हां तुसी सारे ने बहुत ज़्यादा कैंट होवोंगे। अज दी जिहड़ी वीडियो क्रिक कॉमेडी दा एक रिएक्शन। सबनों पता है कि इंग्लैंड जित गया 7वां मैच, पाकिस्तान हार गया। 3-3 मैच जितते सी पहलां, कल 3-3 मैच टाई सी, उस तों बाद जिहड़ा 7वां मैच सी ओह इंग्लैंड जित गया, एंड उहदे करके पाकिस्तान जिहड़ा हार गया। बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, एंड जिहड़ा बंदा ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जिन्हां दी ज़्यादा आपस विच बॉन्डिंग है, जां जो ज़्यादा वैल प्लेड है, वो टीम जीतेगी। इट्स अ फैक्ट एक्चुअली, ठीक है। सो जिन्होंने अपनी लास्ट वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जाके देखो, इंजॉय करो। अरसलान भाई दे की विचार है बारे वो आप अच्छ की वीडियो देखा, एंड आई थिंक बहुत अच्छे विचार होंगे, बट कुछ इदा के फैक्ट्स भी है जो आप इन दे थ्रू सुनने हैं। सो आज देखते हैं। सीरीज हो चुकी है खता पजीर और माशाल्लाह हुई हुआ, जिसका डर था कि हम लोग जो है वो आखिरी मैच हार गए। वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल कहीं क्लोज ही था, 4-3 का स्कोर था, मतलब 4 मैचेस वो जीते और 3 मैचेस हम जीते। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जिस तरह के 4 मैचेस जीते हैं, जिस तरह के हम 3 मैचेस जीते हैं, तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है मेरे दोस्तों। क्योंकि हमारे जो मैचेस थे वो हमने कोई आखिरी ओवर में किल किल के मर मर के एंड में जो है कोई एक इनिंग्स हो रही है, मतलब कोई एक अच्छा ओवर हो रहा है, ऐसी कोई चीजें हो रही, लेकिन वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीते, तो इससे बहुत फर्क होता है। हम लोग जो है ना वो जज्बाती हो जाते हैं, नारे लगाना शुरू हो जाते हैं कि वाह क्या मैच था, क्या मैच था। लेकिन उसमें जितनी बड़ी वीकनेस होती है वो वही बात होती है कि कारपेट के नीचे हो जाती है। भाई सबसे पहले तो एक पिटीशन पास कर लो, जिसके अंदर जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना उनको इजाजत दे देनी चाहिए कि वो कोई पिल्लो शिल्लो या फिर कोई बाल्टी लेकर जो है ना वो फील्डिंग किया करें, कि उसी में बॉल पकड़ लिया करें। हाथों में तो इनकी है मोरियां। मेरा ख्याल में इस मैच के अंदर 5 कैचेस ड्रॉप किए हमने यार, मतलब पीछे यार वो मतलब उनकी टीम जो है वो तकरीबन 16 प्लेयर्स के साथ खेल रही थी और हमारे 11 जो है उनके अंदर भी जो है वो मेरा ख्याल में आधी टीम तो ऐसी अल्लाह तवक्कुल है, तो हमने पता नहीं किस तरह इनके साथ मुकाबला करना था। सारे स्रूफ के ऊपर हम बातें करते हैं कि यार वो पता नहीं क्यों तपरा होता है और क्या, उसे तपना तो है मासूम ने, वो तो है मेरे ख्याल में उसको भी अब आदत हो चुकी है, उसको पता है कि यार ये इस किस्म की तो फील्डिंग करनी, उसके तो कैचेस ड्रॉप करना कि हमने कसम खाई। वो जो ठाकुर नहीं था शोले के अंदर, उसने बेहतर फील्डिंग कर लेनी थी इन लोगों से, और वो जो आजकल ऐड भी आ रहा होता है वो जो आइसक्रीम है वो डोनट वाली जो है वो उसके मुंह में बॉल फंस जाती है, वो बेहतर पकड़ रहा है, दिखा रहे होते हैं हमारे वाले ड्रॉप कर रहे होते हैं। सबसे बेहतरीन किस्म का रिस्पॉन्स है हमारे पावर हिटर मिस्टर खुशदिल जो है उनको भी मिल रहे हैं, उनकी बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल ली यार, मतलब वो जो है पता चल रहा है कि हमारी इस वक्त जितनी भी इस मैच के अंदर बैटिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर अपनी जो पोजीशन है उसको सिक्योर करने के लिए हुई है, मैच जीतने के लिए नहीं हुई। शान मसूद ने भी इसी किस्म की कोई इनिंग्स खेली मेरे ख्याल में, लेकिन शान मसूद ने फिर भी कुछ थोड़ी बेहतर कर ली थी। जो हमारे खुशदिल हमारे इफ्ती भाई थे उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली कि बस किसी तरह सीट ना चली जाए। रात को मेरे ख्याल में इनकी फ्लाइट है न्यूजीलैंड की, उधर पहुंच रहे हैं, तो उसमें सीट पक्की करने की जो है ना कोशिश की जा रही थी इस मैच के अंदर। 19 बॉल के ऊपर 17 रन की बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली, हमारे खुशदिल भाई ने भी इसी किस्म की इनिंग्स खेली थी। कोई पता नहीं क्या, देखो बात सुनो, टीम में जगह बनाओ लेकिन आवाम को फुद्दू ना बनाओ। और फिर उसके बाद हमें रोते भी गए तो आवाम का जो इस वक्त सारी सिंपथीज उनके साथ हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी आवाम तो इसी तरह होती है, जो रो रहा था स्क्रीन के ऊपर उसी के साथ सारी सिंपथीज हो रहती है। लेकिन एक बात है कि सुना है कि वहां पर जितने भी जो क्राउड था उसने बहुत पर्ची पर्ची के नारे लगाए थे, तो यार मैं भी इस चीज के खिलाफ हूँ। बहुत ज्यादा जो है ना पर्सनल हो जाते हैं, आपने पहले भी जो है इमाम का करियर भी इसी तरह खत्म करने की कोशिश की थी, ठीक है क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके बारे में आप बुरा भला कह सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं किसी टीम में जगह नहीं बनती या इनिंग्स बहुत ही बुरी खेली थी, लेकिन इस किस्म के पर्सनल ना हो जाए करें। तो अगर आपके डोमेस्टिक के प्लेयर वहां से परफॉर्म करने के बाद इस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इससे बेहतर तो फिर वो पर्ची ही है जो आ जाती है। किसी कम से कम वो कॉन्फिडेंस ही होता है कि उनकी अपब्रिंगिंग इस किस्म की हुई भी होती है, कोई एक्सपोजर होता है किसी का बेटा शेटा होता है तो वो आके कम से कम थोड़ी मेरे तरीके से प्रेशर को हैंडल कर लेता है। अभी भी सुना है कि खुशदिल भाई के आउट होने के बाद जो है वो ग्राउंड में बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीखें और बहुत ही शोर शराबा हुआ था, तो इंग्लैंड वाले बेचारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें इतनी ज्यादा सपोर्ट किस तरह मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, बेचारे को सपोर्ट नहीं मिल रही, हमारे जो अपनी आवाम है वो अपने ही प्लेयर्स को लान तान करने में बिजी है। अभी तो दोस्तों मैं जैसे पहले भी मीडिया के अंदर कह चुका हूं कि ये छोटे ग्राउंड है, ये छोटे ग्राउंड रखे गए थे, रोप्स को अंदर किया गया था ताकि हमारे जो हिटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए। इससे डबल बड़े ग्राउंड होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिधर हम जा रहे हैं शेरों की तरह, अभी जो न्यूजीलैंड में भी होना है वहां पर भी छोटे ग्राउंड होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए छोटी ग्राउंड किए गए थे और कॉन्फिडेंस जो है वो इंग्लिश प्लेयर्स का बहाल हो गया। वो फ्लड विक्टिम्स के लिए कोई बैंक शैंक थे, वो कह रहे थे कि हर छक्के के ऊपर पता नहीं हमें $1,000 जो है वो डोनेट करेंगे, तो वो पाकिस्तानी लोगों ने बड़ा सीरियसली ले लिया कि हम तो कोई भी पैसा नहीं जाने देंगे। KFC वाले कह रहे थे हर विकेट पे 50,000 रुपया फ्लड डोनेशन वाले।
पर हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ छक्के रोकने ही हैं, सारे के सारे छक्के जो हैं वो इंग्लिश प्लेयर्स ने रखे। मेरा ख्याल में जो जितने भी स्पॉन्सर्स वगैरह उन्होंने ही कहा होगा कि भाई 3.5 रैम करो, छक्के ना मारना, हमारा बजट जो है बहुत ऊपर हो चुका है। इसी वजह से हमारे प्लेयर्स ने तो मारे नहीं, इंग्लैंड वालों ने पूरा इसका फायदा उठा के हमारे जो सलाब सदगान है उनके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे दी। खैर, सुना कि बाबर आजम ने दो कैचेस जो है वो ड्रॉप कर दिए थे और बड़े क्रूशियल किस्म के कैचेस ड्रॉप किए, तो बहुत से लोग कह रहे बाबर आजम को आखिर क्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम को कुछ नहीं हुआ, बाबर आजम की वही जीन्स हैं जो कि मिस्टर कामरान अकमल के जीन्स हैं, वो उनके कजन हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो वापस आना था। एक दो ये हमारे प्लेयर्स हैं, इन मासूमों के ऊपर हम गाली भी नहीं दे सकते ना, इसको क्या कहें, इस बाबर आजम को क्या कहें, इसी के ऊपर तो पूरी टीम चल रही है हमारी। जैसे ही रिजवान और बाबर आजम आउट होते हैं तो इनको चाहिए कि मैच सेरेमनी शुरू कर दिया करें, क्योंकि उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हम, मेरा ख्याल में एक मैच जीते भी कॉम्प्रिहेंसिव वो इसी जीते क्योंकि ये लोग आउट नहीं हुए। दूसरी तरफ हमारे जो वसीम जूनियर है उन्होंने सुना है कि कोई 60 रन खा लिए। यार देखो बात सुनो, या तो बंदा बैटिंग में कर सकता है या बॉलिंग में कर सकता है, तो एक ही जगह पर परफॉर्म करेगा वो, तो उन्होंने 60 रन खा लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोस्त। हमारे जो बॉलर्स हैं वो मासूम, मेरे ख्याल में किसी नजर लग रही है, किसी का घुटना चला गया, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को कोरोना हो रहा है, इस किस्म की चीजें हो रही है। जो पीछे हमारे जो बेंच के ऊपर स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रेंथ है कि वो बाहर निकल आई अपनी होम कंडीशन के ऊपर। अभी तो इंग्लिश टीम जो है उसके ऊपर मुझे पता है कि लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ेगा ये बात सुन के, लेकिन उसके अंदर रॉय नहीं था, बटलर नहीं था, स्टोक्स नहीं था, इस किस्म के प्लेयर्स थे ही नहीं। उसके बाद हमारी हाल है और ये हमारी होम कंडीशन है जिनके ऊपर वो 17 साल के बाद आए। हम दिन में कुछ 17 घंटे जो इन ग्राउंड के ऊपर खेलते हैं और वो 17 साल के बाद आके हम इस तरह पेल के गए। कोई नहीं, हमारा शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह भी आएंगे तो उसकी वजह से जो है हमारी टीम बहुत बेहतर हो जाएगी। अब वो भी देखना पड़ेगा कि उनकी इंजरीज और उनकी सेहत जो है वो उनको इजाजत देती भी है कि नहीं, पता नहीं ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारे ये दोनों बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नए हैं और उनके जो प्लेयर्स मिसिंग थे वो बड़े एक्सपीरियंस किस्म के प्लेयर्स थे। खैर भाई, बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है ना, ये जो इंग्लैंड वाले यहाँ पे आके हमें मार के चलेंगे उसमें तो कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं, ये तो हमें आदत है। लेकिन जो ये जाते जाते करके गए ना, जो डिवाइड एंड रूल करके गए मुईन अली, उसने ये कह दिया कि यार ये जो कराची का फूड है ना वो किसी हद तक बेहतर था लाहौर के फूड से। तो यार ये अब जो कर दिए ना भाई, हमें और कोई चीज़ है किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होती। इन चीज़ों के ऊपर आके हम बहुत ही टची हो जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए था। पता नहीं यार, वैसे एक मैं आपस की बात बताऊं कि ये तो बेचारे होटल से बाहर गए ही नहीं होगी, इन्होंने जो भी खाना खाया वो होटलों में ही खाया। तो ये जो लाहौर में जिधर भी ठहरे पीसीवीसी, उनको मेरे ख्याल में अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, क्योंकि अब होटलों की वॉर हुई है, सिटीज की तो वॉर हुई नहीं। या पता नहीं इसको कोई खोता कढ़ाई वगैरह तो नहीं खिला दी। अरे कराची और लाहौर वाले आपस में ही लड़ते रहो यार कि फूड किसका बेहतर है, क्या किसका बेहतर है। ये जो पिंडी वाले मासूम होते हैं ना, हम लोग तो बेचारे जो बस सेवर फूड के ऊपर सबर शुक्र कर रहे हैं। सुना है कि टीम जो है वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो चुकी है। पता नहीं जिन लोगों के लिए हम रो रहे हैं, जो मिडल ऑर्डर में हम कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, वो पता नहीं आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। अगर आएंगे भी तो सीधा वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। ये जो हमारे खूबसूरत मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, बहुत मजा आने लगा हमें भाई। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अपना सेकंड टी20 आई भी जीत चुका है और सीरीज जीत चुका है साउथ अफ्रीका से। उसके अंदर उन्होंने 237 रन बनाए। देखो इस तरह के इंडिया पहुंच ग्राउंड के ऊपर गोरों के साथ। वैसे साउथ अफ्रीका की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दफा जो है उन्होंने मेरा ख्याल में फिर इनके कोई एक स्कोर के ऊपर दो आउट कर दी थी। मेरा अर्शदीप जो लौंडा है उसने जो है फिर जबरदस्त किस्म की बॉलिंग दिखा दी और शुरू के अंदर ही आउट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो 200 तक लेके बड़ी बात है। मिलर ने सेंचुरी मार दी है और एंड तक फाइट करते रहते हैं। ऐसे होते हैं भाई मिडिल ऑर्डर हमारे, तो बस टॉप ऑर्डर खत्म होते तो बस मैच खत्म हुआ होता है, और फिर हम टॉप ऑर्डर को गालियां भी दे रहे होते हैं कि वो क्यों स्लो खेल रहे, क्योंकि उनको पता है पीछे कुछ है ही नहीं भाई। फिर सुना है कि कोई 49 रन के ऊपर नॉट आउट रहे हैं हमारे कोहली भाई जो है, और उन्होंने 49 रन के ऊपर जब दिनेश कार्तिक ने आके कहा कि मैं सिंगल ले ले तो तुम अपनी 50 करो, तो ना भाई ना उधर ही रहो और तुम अपना जो काम करो ना उस तरह करते रहो। मेरा बॉय जो है वो फॉर्म में वापस आ चुका है, अपने स्टाइल में भी वापस आ चुका है। क्या बेहतरीन किस्म का बंदा है। पिछले 1.5 महीने के अंदर जो उसने स्कोर कर दी ना, अभी इसकी सारा जो है ना वो इख्तिताम वर्ल्ड कप के ऊपर ही आके करेगा। हमारे यहाँ पे ग्राउंड के अंदर ये होता है कि वो कोई कुकड़ आ जाता है, मुर्गी आ जाती है, वो कुत्ते बिल्ले और इसमें चीजें हारी होती है। इंडिया के अंदर मैच स्टॉप हो गया क्योंकि वहां पर एक इक्षाधारी नागिन आ गई ग्राउंड के अंदर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ये बाहर निकाला किस तरह होगा। क्या कोई सपेरा भी आया था जो कि बीम बजा रहा होगा और फिर वो श्री देवी है कोई नागिन जो है वो बन के डांस करती हुई कही होगी और सारी टीम नाची होगी। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बड़ा ही दुख के साथ ही वीडियो बनानी पड़ रही है। एक तो आप जो है वो इतना कुछ प्लान करके जो है मैच लगाए और फिर उसके बाद जो इस किस्म की परफॉर्मेंस हो रही हो, बिल्कुल ही इंटेंट नजर नहीं आया हमारी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो आदत हो जानी चाहिए। 4 में से 3 भी हम जीत गए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह के हम 3 जीते हैं आखिरी ओवर में अंदर आके, वो जो है वो थोड़ा ज्यादा अलार्मिंग है। एक मैच हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिवली जीते थे, बाकी दोनों जो है वो इंग्लैंड के हाथ में ही थे। अभी बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज होने लगी है और उसके अंदर न्यूजीलैंड भी शामिल है, तो अगले 1-2 महीने तो बहुत ही बिजी होने लगे हैं। मैचेस जो है वो नॉन स्टॉप हो रहे हैं और फिर सीधा वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो मजा आने वाला है। खैर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज, यही सी वीडियो। आई थिंक प्रॉब्लम मेरे ख्याल सबनों पता है यार, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की टीम की प्रॉब्लम क्या है। बार बार गल आ जाती मिडल ऑर्डर से। सो हूँ पता नहीं की है, न्यूजीलैंड लिए रवाना हो चुके हैं एंड आई डोंट नो कि प्लेयर से की कुछ है, मैंने है तो कुछ नहीं पता है।
बट सीरीयसली कल मतलब कि यह देखो तुम गल कि यार मैं इंडिया का मैच नहीं देखा कल, मैं पाकिस्तान का मैच देखा क्योंकि मैनू सगा कि यार 7 मैच हुए है, चलो एंड से मज़ा आएगा देखने कि यार एंड से कुछ कुछ मुकाबला तो किया हो फिर मज़ा आता। पर जो ये मतलब कि स्टार्टिंग इनिंग्स है जड़िया उ मतलब चलो आउट हो गए ठीक है, बाबर ते रिजवान आउट आउट हो गए, बट उस बाद मतलब मिडल ऑर्डर कुछ भी नहीं करता यार, पता नहीं की चक्कर है। मतलब कुछ तो करो कुछ, मतलब इदा दिखे तो सही कि यार बंदा पूरी मेहनत कर रहा है एंड स्कोर चलो थोड़ी थोड़े बहुत डिफरेंस नाल हार रहा, बट 60 प्लस हो गए मतलब कि वो हार रहे हैं, सो दैट्स वाई चलो एनीवेज। बट मैं यही नहीं पता कि यार इंडिया इधर जी मैच होया वो स्नेक आ गया सो चलो वो भी पता नहीं होना किमें क्या होना इन्होंने, वाकई बीन बून वाला सपेरा कोई आया होना, चलो वो तो नहीं होना कि नागिन डांस तो नहीं किया होना श्रीदेवी ने आके, बट चलो किसी ना किसी तरीके इन्होंने कढ़ ही लिया होना। सो उम्मीद यही है कि हम पाकिस्तान की टीम मैं एक्चुअली क्यों कर रहा क्योंकि ना मैनू यह है कि पाकिस्तान तो इंडिया पहुँचे यार एंड तक पहुँचे, फाइनल इंडिया तो पाकिस्तान का होते पाकिस्तान ना मैच सारे पहले जितने पैने हैं। सो जे मतलब कि इन्होंने 3 मैच भी जितते है वह भी जिमें आप एशिया कप भी देखे थे कि नसीम शाह ने एंड दे आके 2 छक्के मारते या फिर थोड़ी बॉलिंग उदा की होगी करके मतलब कि वह एडवेंटेज मिल गया उन्होंने, बट मैच उन्हों का कोई ज़्यादा खास नहीं होंगे, परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा खास नहीं होंगी उस तरह। सो वो चीज़ है बट आई थिंक यार होना चाहिए जो है बई गल जैनुअन है। हुणे मैं तुहानू पता मैं हमेशा इस चैनल दे वीडियोज़ अपलोड करदा तो मैं कदे भी स्पून फीडिंग नहीं करदा, लाइक बहुत सारे नवे रिएक्शन चैनल्स है जिहड़े करदे ऐन भर के वधिया काम चल भी रहा, बट वो चीज़ नहीं कर सकते आपां यार, जो जैनुअन है वो जैनुअन है, जो सच है वो सच है, क्योंकि जेकर आप क्रिटिसाइज़ नहीं करांगे तो वो इंप्रूवमेंट किदां होएगी ठीक है। चाहे साढ़े इंडियन प्लेयर्स है, मैं इंडियनस नू भी देखो किन्ने यारी बुरा भला कहना ठीक है, इंडियनस नू सगों मैं ज़्यादा कह देना, पाकिस्तान तो मैं फिर भी कुछ नहीं कहता इन्ना, बट पाकिस्तान की टीम बेहतर कर सकती है ठीक है, बट वो करती नहीं है। हुण इन्हां दा प्रॉब्लम की आई डोंट नो, सारी दुनिया नू पता कि मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम है यार, उन्हूं सॉर्ट आउट करो ना, करदे क्यों नहीं, दिक्कत की है ना, मतलब कोई इदा का कोई बंदा बेच चढ़िया पाया कि यार करके दिखाओ मैं बैठा, वो चीज़ हुई पई है। तो सो एनी वेज यार गाइज इंडिया पाकिस्तान होप सो फाइनल खेडणगे, फाइनल खेडणगे तां मज़ा आऊगा यार सीरीयसली। एंड जो पाकिस्तान की टीम हारी है ना दैन रिएक्शन शूट करने भी जी नहीं करता गा, मैनू पूरी उम्मीद से कि पाकिस्तान इस बार जितूगा एंड वीडियोज़ बनाते मज़ा आऊगा, बट वो हो नहीं पाती गल, चलो एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ गेम उ गल, बट उम्मीद है कि हूँ जी अगे जी इन्हें सीरीज़ आने वाली है वो इन्हें परफॉर्मेंस वधिया रहेगी, होप सो फिंगर क्रॉस्ड। बट तुसी एक काम कर सकते हो कि चैनल अपना सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपनी ओपीनियन मैंने नीचे कमेंट दस सकते हो कि तुहाडा की मनना है कि मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम है या दिक्कत किसी होर चीज़ की है। सो कमेंट डाउन बिलो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो पंजाबी रियल टीवी, छोटिया छोटिया स्टोरीज़ अपलोड करो अपने इंस्टा से, स्टोरीज लगाओ मैंने टैग करो, मैं करूँगा रीशेयर। मिलते हैं किसी होर वीडियो, सत श्री अकाल।